हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कलर थ्योरी के बारे में। तो कलर थ्योरी क्या होती है और कलर थ्योरी का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या होता है। कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं कि, या फिर आपके दोस्त भी होंगे या फिर खुद आप होंगे, कि जिनका कलर नॉलेज उनके दोस्तों से या फिर उनके रिलेटिव से वगैरह ज्यादा होता है। वो कलर्स देख के बता सकते हैं कि ये कलर्स इस पे सूट करेगा, ये कलर इस पे सूट नहीं करेगा, या फिर इससे कॉन्ट्रास्ट होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। जो घर का कलर करते हैं तो उनका ये नॉलेज अच्छा होता है कि ये कलर इस वॉल पे रहेगा, ये कलर इस वॉल पे रहेगा। या फिर कुछ लोग जो जब कपड़े खरीदते हैं तो उनका उसका कलर नॉलेज बहुत अच्छा होता है कि ये शर्ट इस पे, इस पैंट पे सूट करेगा, ये शर्ट होगा, ये पैंट होगी, ये सॉक्स होंगे, ये शूज होंगे। तो ये जो कलर नॉलेज रहता है तो वो किसी का बॉर्न टैलेंट कह सकते हैं कि वो उनका अच्छा रहता है। जिनका ये कलर नॉलेज अच्छा नहीं है उनका क्या? तो उनके लिए बहुत सी चीजें हैं, इसके थ्योरीज है, कलर थ्योरीज है, जिससे हम ये सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है और एग्जैक्टली क्या लगता है कलर थ्योरी के बारे में जानने के लिए। तो ये बहुत ही वैसे देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिस मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। जितना सिंपल हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा कि आप उसको समझ पाए। अपने नेचर में बहुत सारे कलर्स हमको ऑलरेडी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू होता है, और अगर हम सी देखें तो वो ब्लू होता है, और अगर हम लीव्स वगैरह देखें तो वो ग्रीन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से हमने देखा है कि वो एक जो कलर होता है वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जैसे कि अगर हम ब्लू कलर देखें तो वो डिनोट करता है कि पीस हो गया, या फिर कान जो शांति मिलती है हमको तो वो हो गया। तो वो ब्लू कलर शांति वगैरह वो डिनोट करता है। और अगर ग्रीन हो गया तो ग्रीन अगर हम देखें तो वो लाइफ के बारे में कुछ बताना हो या फिर कुछ फ्रेश है वो दिखाना हो तो वो उसके लिए हम ग्रीन कलर डिनोट करते हैं। रेड कलर क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है? तो रेड कलर अगर कोई डेंजर है तो उसके लिए हम रेड कलर डिनोट करते हैं, या फिर कोई लव का इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए हम रेड कलर डिनोट करते हैं। तो ऐसे कलर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिनोट करता है। जैसे कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स हो तो उसमें भी एक रेड डॉट होता है और एक ग्रीन डॉट होता है। तो वो रेड डॉट हो गया नॉन वेज का और ग्रीन डॉट हो गया वेज का, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। कलर एक इन्फॉर्मेशन देता है विदाउट एनी वर्ड्स। सो कलर्स की वो खासियत है कि हमको सिर्फ देखने से पता चल जाता है कि ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। अब हम जानेंगे कि दुनिया में जितने भी कलर्स हैं तो वो जितने भी कलर्स हैं वो तीन कलर से बनते हैं। जैसे कि हमने बचपन में सुना था कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, जो कि होते हैं रेड होता है एक, और जो ब्लू होता है और येल्लो होता है। तो ये तीन कलर्स होते हैं। तो तीन कलर्स है जिससे हमको बहुत सारे कलर्स के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो बचपन में ये तो नहीं बताया कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसका फ्यूचर में यूज क्या होगा, ये क्या होगा। तो वो मैं आज बताना चाहूंगा कि प्राइमरी कलर आपने जो देखा कि रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, तो ये जो तीन कलर्स हैं उसके वेरिएशंस में उसको मिक्स करके हम और भी कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि रेड और येलो ऑरेंज हो गया, और येलो और ब्लू ग्रीन हो गया। ऐसे अगर हम मिक्स करते जाए तो वो और भी कलर्स जनरेट होते हैं। प्राइमरी कलर्स को मिक्स करे हो गए सेकेंडरी कलर्स, तो ये एक कलर व्हील बन जाता है। तो वो कलर व्हील यूज करके हम कौन से कलर स्कीम्स हम ला सकते हैं वो हम अब जानेंगे कि कौन सा कलर कौन से सूट करेगा वगैरह वो। तो ये हो गया कलर्स, ये थोड़े कलर्स हो गए प्राइमरी सेकेंडरी, और अब हम इसके वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये कलर्स इसके वेरिएशंस कैसे बनते हैं। तो एक हो गया ह्यू, एक हो गया सैचुरेशन, और एक हो गया वैल्यू। ये तीन चीजें हैं। तो इसका यूज करके
हम बाकी कलर्स कैसे जनरेट होते हैं वो देखेंगे। यू मतलब मेन कलर जो रहता है वो, अगर कोई रेड है ब्लू है तो वो कलर जो रहता है वो मेन कलर जो रहता है वो होता है यू। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन, तो सैचुरेशन क्या रहता है, अगर अगर कोई यू से व्हाइट शेड है, यू से ग्रे शेड है, यू से ब्लैक शेड है, तो वो हो जाता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में सपोज आप यू रेड कलर ले लो, तो रेड से व्हाइट हो गया और रेड से ग्रे हो गया, रेड से ब्लैक हो गया, तो वो हो गया सैचुरेशन। तो उसमें जो कोई भी कलर्स आ चुके हो तो वो सारे हो गए सैचुरेशन के। तो सैचुरेशन में वो कलर्स आ जाते हैं। हमने रेड ले लिए यू का, वैसे आप ब्लू ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, तो वो सैचुरेशन के कलर्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू। वैल्यू में ब्लैक टू व्हाइट जो होता है वो, उसमें अगर कलर्स डाले हम कि रेड का ब्लैक टू व्हाइट, ब्लू का ब्लैक टू व्हाइट, तो वो हो गए वैल्यू के कलर्स। तो वो यूज करके हम पता चल सकता है कि इसमें से कलर्स जनरेट होते हैं। तो ये सब हो गया कलर्स की इंफॉर्मेशन, कलर्स कैसे जनरेट होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कलर्स एक दूसरे पे जो सूट करना बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना बोलते हैं, तो वो कैसे करते हैं। अगर हम नेचर को बारीकी से ऑब्जर्व करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो नेचर है उसमें सॉइल का कलर ब्राउन रहता है, राइट। तो उसके ऊपर जो प्लांट उग जाता है वो होता है ग्रीन कलर का, उसके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। उस पर जो फूल लगता है वो होता है रेड कलर का, अगर रोज का अगर हम देखें तो वो एक कॉन्ट्रास्ट है कि ब्राउन कलर का सॉइल, उसमें ग्रीन कलर के पत्ते और उसमें एक रेड कलर का फूल। तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। ये जो नेचर से हमको देखने को मिलता है वो होता है, आप नेचर से बहुत सारे कलर स्कीम्स या कलर थ्योरी सीख सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है और जिससे हमको लगता है कि या ये रेड फूल, रेड कलर का जो फ्लावर है वो अच्छा दिख रहा है या बाकी सब। तो ये हम कलर थ्योरी है जो, वो नेचर से हम सीख सकते हैं कि ये सब जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमने प्लांट से सीखा है कि ऐसे कलर कॉन्ट्रास्ट होते हैं। और अगर कोई ऑब्जर्व करना नहीं चाहता तो उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज है कलर के, वो हम सीख लेते हैं। उस कलर स्कीम से हमको कलर का बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। अगर आप बचपन में देखो तो स्पाइडरमैन का जो कलर होता है वो होता है, एक तो रेड होता है और ब्लू होता है और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। तो मेजॉरिटी कलर इज रेड, देन ब्लू एंड देन ब्लैक, राइट। तो उसकी वजह से हमको एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और हम उसके भी उससे भी जान सकते हैं कि कलर का कॉन्ट्रास्ट क्या होता है वगैरह वो। तो कलर स्कीम में बहुत सारे कलर स्कीम्स है। सो द फर्स्ट कलर स्कीम इज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, जिसमें ब्लैक टू व्हाइट जो शेड्स होते हैं कलर्स के, तो उसमें जो वेरिएशंस आते हैं उसमें अगर कोई फोटो निकाले या फिर कोई डिजाइन क्रिएट कर ले तो वो होता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। वो होता है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। हमारे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते हैं वो होता है मोनोक्रोमेटिक फोटोज। सो द नेक्स्ट कलर स्कीम इज एनालॉगस कलर स्कीम, कि अगर आप कलर व्हील में देखें, हम कलर व्हील के, अब कलर व्हील से हम बात करेंगे कि कलर व्हील के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो कलर व्हील से हम जानेंगे कि एनालॉगस कलर स्कीम क्या होता है। तो एनालॉगस कलर स्कीम मतलब रेड ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज के जो शेड्स है, रेड टू येलो अगर हम कंसिडर करें, जो आजू बाजू वाले नेबर्स वाले जो दो चार कलर्स होते हैं तो वो हम यूज करके जो डिजाइंस क्रिएट करते हैं वो होता है एनालॉगस कलर स्कीम, कि उसके हिसाब से हम कलर्स यूज करके हम डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो होता है एनालॉगस कलर स्कीम। एंड द नेक्स्ट कलर स्कीम इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, जो अपोजिट कलर्स, कलर व्हील्स के अपोजिट कलर्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर है उसके अपोजिट होगा ग्रीन कलर, राइट। तो ग्रीन कलर और रेड कलर ये बहुत अपोजिट है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो गए, इससे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा तो वो अच्छा दिखेगा। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कि अब हम इसके भी नेचर में जा सकते हैं कि एप्पल अगर रॉ है, मतलब अब जब पका हुआ नहीं होता है एप्पल, तो जब से पका हुआ नहीं होता वो ग्रीन होता है और जब से पक जाता है तो वो रेड हो जाता है। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, कि हमको पता चल जाता है कि ये पूरे अपोजिट कलर्स हैं और ये हो गया तो
अभी से खाना है हमको, अभी नहीं खाना है हमको. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कि ग्रीन से रेड हो गया. सो आप उसको ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है. तो कलर व्हील से हम पता चल सकता है कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स क्या होती है. सो द नेक्स्ट थिंग इज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है वो है अपोजिट कलर होती है, बट उससे आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के हम उस कलर स्कीम के कलर्स को जान सकते हैं. और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी बहुत सारे लोगोज में वगैरह यूज किया जाता है. जैसे कि आप फैंटा को लोगो ले सकते हो कि फैंटा के लोगो में कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज किया गया है, और उसके कलर हम जब देखेंगे तो हमको पता चल सकता है कि उसमें स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का यूज किया गया है. एंड द नेक्स्ट कलर स्कीम इज ट्रायटिक कलर स्कीम, जिसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कलर व्हील में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कलर्स कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और हम एक ब्यूटीफुल सा लोगो वगैरह कुछ डिजाइन करते हैं. तो ट्रायटिक कलर स्कीम में जो लोगो आता है वो है बर्गर किंग का लोगो. बर्गर किंग का लोगो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो होते हैं ट्रायटिक कलर स्कीम के कलर्स. तो वो कलर्स आप देख के बता सकते हैं कि ये ट्रायटिक कलर स्कीम के लोगोस है, और उससे हमको एक जो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है जो सूदिंग कलर्स है, तो वो होता है ट्रायटिक कलर स्कीम्स के लोगो. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट कलर स्कीम इज टेट्रैटिक कलर स्कीम. एंड टेट्रैटिक कलर स्कीम में जो कलर्स यूज होते हैं वो कलर व्हील में अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो उसके जो कलर्स आते हैं तो वो हो जाते हैं टेट्रैटिक कलर स्कीम्स. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो है माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, जिसमें चार ही कलर्स यूज किए गए हैं जो है टेट्रैटिक कलर स्कीम्स के. तो उसमें जो कलर्स यूज हुए हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट के लोगोस के कलर. ये कुछ कलर इन्फॉर्मेशन थी, और आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. सो आप ये सब यूज करेंगे. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.